वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आईपीएल का मिनी ऑक्शन आप लोगों को 19 दिसंबर को देखने को मिलेगा। वहीं पे आरसीबी की टीम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप आरसीबी के फैन है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, देखिए आईपीएल के मिनी ऑक्शन में आरसीबी को चाहिए पड़ेंगे बॉलर, और बॉलर तो आप लोगों को मालूम है बहुत बड़े बड़े बॉलर आने वाले, लाइक पैट कमिंस हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, जराल कोदिया हो गए। वहीं पे आरसीबी टीम किसे टारगेट करेगी? जी हां, देखिए आरसीबी के फैंस भी जानते हैं कि आरसीबी टीम मिचेल स्टार्क को टारगेट करने वाली है आईपीएल के मिनी ऑक्शन में। देखिए अब मैं बताने वाला हूँ कि आरसीबी को मिचेल स्टार्क के पीछे कितना बजट अपना निकाल के रखना चाहिए, और अगर मिचेल स्टार्क नहीं मिलते हैं तो आरसीबी का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, या फिर उन्हें किन प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। देखिए क्योंकि देखिए मिचेल स्टार्क के पीछे अकेली आरसीबी टीम तो जाएगी नहीं, उनके पीछे बहुत सारी हैदराबाद जा सकती है, पंजाब टीम जा सकती है, गुजरात टाइटन्स मिचेल स्टार्क के पीछे भी जाती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी टीमें उनमें इंटरेस्टेड दिखाने वाली है। तो वहीं पर आरसीबी टीम मेरे हिसाब से, देखिए अगर अभी आप आरसीबी का पर्स देखोगे तो मेरे हिसाब से 23 करोड़ के समथिंग का पर्स है उनके पास, और आरसीबी मेरे हिसाब से 15 करोड़ तक तो जा सकती है। जी हाँ, देखिए इसमें कोई शक कोई द्वारा नहीं है। आरसीबी देखिए अगर किसी भी बॉलर को टारगेट करेगी तो 15 करोड़ तो मेरे हिसाब से मिनिमम उन्हें रखना चाहिए। अगर 15 करोड़ से वो कम जाएंगे तो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं मिलेंगे फिर कोई भी क्वालिटी बॉलर। और आप बात करो अगर पैट कमिंस की, तो देखिए पैट कमिंस मेरे हिसाब से न्यू बॉल में आपके लिए अच्छे खासे बॉलर हो सकते हैं। वहीं पर देखिए मिडिल ओवर्स में आप उनसे ओवर करवा सकते हो, लेकिन अगर आप उनसे डेथ ओवर में जाओगे तो मेरे हिसाब से आपकी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको बैटिंग का ऑप्शन देते हैं, एक ऑलराउंडर टाइप प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी डेथ ओवर की बॉलिंग बहुत ज्यादा बेकार है। क्योंकि देखिए पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, वहां पे हेजलवुड और स्टार्क देखा जाए डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर पैट कमिंस के पीछे जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नहीं जाएंगी आरसीबी टीम। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो जराल कोदिया, जी जराल कोदिया ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिनके पीछे आरसीबी 15 करोड़ तक जाती हुई नजर आएगी। ये आरसीबी का बैकअप प्लान रहेगा, अगर मिचेल स्टार्क नहीं मिलते हैं तो वो जराल कोदिया के पीछे जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तीनों जितने भी प्लेयर थे मैंने आप लोगों को सारे के सारे वीडियो में बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।